शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पायल और मैं दोनों ही माँ बनने वाले हैं। हमें ऐसे में अगर पैसे कम भी पड़ जाते हैं मान लीजिए, तो सबसे पहले हमें पायल के लिए ही करना होगा, उसकी जरूरतों को पूरी करनी होगी। क्योंकि वो ये सब जो भी कर रही है ना, सिर्फ हमारे बच्चे के लिए कर रही है। मेरे लिए तुम दोनों बराबर जरूरी हो। तुम दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी और की कुक का बच्चा हमारे खानदान का पूरा हिस्सा बन ही नहीं सकता है। तुम काहे ले उसकी जिम्मेदारी? हेलो डॉक्टर, हमें आपसे कल मिलना है। ठीक है। एक बार फिर सोच लीजिए, अभी इनकी जो हालत है उसमें बच्चा गिराने से इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। क्या? हम ये बच्चा नहीं गिरा सकते। तो आप ही नहीं यहां लाई क्यों है? देखिए, बिना इनकी मंजूरी के वैसे भी ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, मंजूरी मिल जाएगी, आप उसकी फिक्र मत करिए। हमें लगा कि आपको हम पर भरोसा होने लगा है, इसलिए आप हमें यहाँ चेकअप के लिए लाई है। हमें नहीं पता था कि आप इतना बड़ा पाप कराने लाई है। हमें गलत है ये, और हम ये नहीं कर सकते, कभी नहीं। आप चौथी बार मुझे फोन कर रहे हैं और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, अब आप भी थोड़ा काम कर लेंगे क्या? श्रद्धा, काम होता रहेगा, पहले तुम ये बताओ तुमने दवा ली? हाँ जी अभय, मैंने ले ली है दवाई। ठीक है, अब सारे काम छोड़ के तुम सिर्फ आराम करोगी? ठीक है, मैं आराम भी कर लूंगी। अब अभय, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पायल आई है। हाँ ठीक है। अबे दो मिनट अपने दिमाग को आराम देने की जरूरत है, दो दो बच्चे कैसे संभालेगा तू? हाँ ले ले मजे मेरे यार, तू बच्चों का सोचकर ही चक्कर आ रहा है। अरे पायल, पायल रुको, क्या हुआ है पायल? में आके बंद हो जाती है क्या? देखो कितना पानी है नीचे और तुम उस पर दौड़ लगाए जा रही थी। श्रद्धा, समाज सेवा करना बंद करो और अपने होने वाले बच्चे की तरफ जिम्मेदारी रखो। वो जी पायल ऐसे उदास होकर गई, उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई। अब क्या हो गया पायल को? अरे तनुजा भाभी उसे अस्पताल तो लेकर गई थी, अब कौन सा भवंडर हो गया? अरे अरे श्रद्धा, पायल, अरे पायल ये क्या कर रही हो तुम? पायल ऐसे अचानक से तुम सामान क्यों बांध रही हो? छोड़ो से, तुम अभी हमें यहाँ से जाना है। अरे तुम सामान क्यों इस तरह से बांध रही हो पायल? हमें जाने दो। क्या? अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत पड़ गई? बताओ तो सही पायल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। छोड़ो इसे, हमें अभी जाना है। पायल छोड़ो इसे, पायल, पायल तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ है?
इतना पानी कैसे फैल गया है यहाँ भाई? श्रद्धा, अरे श्रद्धा जल्दी आओ। भगवान, ये तो सुनती भी नहीं, लगता हम ही को सब साफ करना होगा। अरे इतना पानी कैसे फैला है यहाँ? भगवान, आना तानी क्या इन लोग करते हैं। नहीं, वंश के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी जी? मिटा देना चाहती हैं आप उसे? आप भूल गए, एक बच्चे के लिए तरस गए थे हम, और जब भगवान ने हमें दो दो बच्चे का आशीर्वाद दिया तो आप उसे ठुकरा देना चाहती हैं? पायल के बच्चे को ठुकरा देना चाहती हैं आप मम्मी जी? वो भी तो हमारा ही बच्चा है ना। तनुजा भाभी, आप ही हमें समझा रही थी कि हम पायल को अपना लें, और अब आप ही ये कह रही है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे हमें सुनाने से पहले आप लोग खुद सोचिए कि इस घर की बहू का बच्चा होने वाला है तो फिर पायल की क्या जरूरत है? तुमने जो भी किया उसके पश्चाताप में तुमने ये कदम उठाया, तो अब हम तुमसे कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और सबसे पहले ये बच्चा गिरा दो। मम्मी जी, बच्चा कोई सामान नहीं होता है। जब जरूरत पड़ी तो रखा और जब जरूरत खत्म हो गई तो उसे फेंक दिया। वो हमारी जिंदगी होते हैं, तपस्या है ये आपकी और मेरी। तनुजा, हमें बहुत तकलीफ हुई ये देखकर कि आपकी सोच ऐसी है। अरे एक माँ होने के नाते आप इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हैं? अरे नैना भाभी, आपके लिए घटिया बात होगी लेकिन हमारे परिवार के लिए ये आईना जैसी साफ है। अरे खर्चा कितना बढ़ जाएगा, कितनी जिम्मेदारियां होंगी, अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? और वैसे भी बिन बिहाई माँ से आगे कौन शादी करेगा? ये तो पायल के भले के लिए ही सोच रहे हैं ना। कीर्ति, लेकिन क्या कोई ये जानना चाहता है कि पायल क्या चाहती है? किसी को इसका दर्द क्यों नहीं दिखता है? पायल और मेरे, हम दोनों के कोख में अभय और हमारा अंश पल रहा है जो हमारी नसों से जुड़ा है। वो जिंदगी है हमारी और मैं उसे जाने नहीं दे सकती हूँ। तो फिर ठीक है, आप लोग भी हमारा फैसला सुन लीजिए। पायल का यहाँ रहना हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है और ना ही हम इसके बच्चे को कभी भी अपनाएंगे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।